माफिया और अपराधी उनकी बुलडोजर बाबा की इमेज से खौफ खाते हैं, तो वहीं बच्चों के लिए उनकी छवि टॉफी चॉकलेट वाले बाबा की है। एक ही व्यक्तित्व में गर्म और नरम पहलू, बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। अपराधियों के लिए यूपी में वह काल के पर्याय बन चुके हैं, तो बच्चों के बीच उनका स्वभाव बाल गोपाल सरीखा है। जहां भी बच्चे मिल गए, मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल परे हो जाते हैं। उन्हें दुलारना, आशीर्वाद देना, खूब पढ़ने व आगे बढ़ने को प्रेरित करना और टॉफी चॉकलेट देकर उनके चेहरों पर मुस्कान बिखेरना उन्हें आत्मिक संतोष देता है। यह सिलसिला आज सीएम योगी के जनता दर्शन कार्यक्रम में भी जारी रहा। शुक्रवार सुबह सीएम योगी आदित्यनाथ हिंदू सेवा आश्रम में जनता दर्शन में महिलाओं के साथ उनकी गोद में छोटे बच्चों को देखकर भावुक हो गए। उन्होंने तत्काल बच्चों के लिए चॉकलेट मंगाया, महिलाओं की समस्याएं सुनी ही बच्चों को चॉकलेट भी प्रदान किया। साथ ही उनकी वर्षों पुरानी टॉफी बाबा की छवि एक बार फिर स्मरण हो आई। टॉफी बाबा के नामकरण की शुरुआत वन टांगिया बच्चों के बीच हुई थी, जब बतौर सांसद योगी आदित्यनाथ उनके बीच टॉफी चॉकलेट, मिठाई, बैग, कॉपी, किताब व फुलझड़ी लेकर उनके बीच पहुंचे थे। उन्हें यह सारा सामान गिफ्ट करते थे, उनके माथों पर स्नेहिल आशीर्वाद हाथ रखते थे। समय बदला और योगी 2017 से सूबे के सीएम की भूमिका में हैं, पर टॉफी चॉकलेट वाले बाबा बनते रहने की भूमिका जस की तस है।